तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाकये के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है, मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनाते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं उस्मान, रुको।